प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी कर रहे थे व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल दैट एंगल है जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, दैट इंसिडेंस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण निकाल की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि जो है इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मीडियम, नेचर ऑफ बोथ मीडियम, इधर कौन सा मीडियम है, इधर कौन सा मीडियम है, दोनों मीडियम्स के ऊपर ये डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। नेचर ऑफ टू मीडियम्स एंड सेकेंड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ ऑफ लाइट, किस रंग के प्रकाश के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा उसकी वेव लेंथ के हिसाब से जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिपेंड्स करती है। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए जब हमने इसको इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया है तो ये जो रे है वो इंटरफेस को ग्रेस कर गई है तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अब सपोज करिए अब अपने इस एंगल को और ज़्यादा इंक्रीज करें, थोड़ा सा इससे क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाएं, तो तब रे कहाँ जाएगी, इस मीडियम में, इसमें, फिर जो है रे वापस उसी मीडियम में लौट आएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और बढ़ाते हैं तो रे दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी और उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसको हम बनाते हैं कि इसको हमने जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिया, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डायग्राम में बनाएंगे। ये देखिए फिर हमने दो मीडियम ले लिए हैं, मीडियम वन और मीडियम टू। अब हमने जो इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इस तरह से कर दिया। ठीक, अब ये रे कैसे इंसिडेंट हुई, एंगल आई पे, दैट इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब क्या हुआ, तो ये रे जो है इस मीडियम में ना जाके, मीडियम वन में ना जाके मीडियम टू में ही वापस लौट आएगी। और कितने एंगल पे लौट के आएगी, रिफ्लेक्शन के नियम से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये इस तरह से वापस आएगी। ठीक है, ये आई है और इतना ही ये भी एंगल होगा आई, यहाँ पर अब इसको हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा ना। ठीक है, अब इसको टोटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी रे जाती है पूरी 100% जो है वापस आ जाती है, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या था, जो रे थी वो मिरर के ऊपर पड़ रही थी तो मिरर उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा 100% रिफ्लेक्ट नहीं होता है वहाँ पर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ये इस मीडियम में ला जाके पूरी 100% वापस उसी मीडियम में लौट आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है। ठीक, ये इधर जा रही है लेकिन इस मीडियम में अंदर ना जाके इधर लौट आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, इसलिए क्या कहा इसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पहली कंडीशन होती है जब आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। ठीक, इस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आई की वैल्यू थीटा सी से यानी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इससे ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, डेंसर मीडियम है और ये क्या है इधर रेयर मीडियम, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक,
डेंसर से कहाँ जानी चाहिए, रेयर, रेयर से डेंसर में जाएगी तब नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, डेंसर से जब रेयर में जाएगी तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मिलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए लाइट जो है डेंसर टू रेयर मीडियम, ग्लास कैसा है डेंसर और इधर हमने लिया है रेयर मीडियम, लाइट जो है डेंसर टू रेयर मीडियम में गई, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई, इसको कहा हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसके लिए स्नेल्स का नियम जो है आपको याद होगा, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ, लाइट जो है मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, ठीक है, उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू एंड वन क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है, तो यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, जब लाइट रे जो है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है उस समय मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, टू एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में क्या होता है, आई इज इक्वल टू, अगर क्रिटिकल एंगल थीटा सी हो तो आर कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो टू एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई अपॉन साइन 90 डिग्री, वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स टू एन वन इज इक्वल टू साइन आई। अब देखिए लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट की रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सो टू एन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, लाइट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का टू एन वन इज इक्वल टू वन एन टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर लाइट की रे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है तो जो पाथ है अगर हम उसको रेयर से डेंस में लाएंगे तो वही पाथ जो है उसी पे रिवर्सिबल वापस आ जाएगी, तो उसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला है, टू एन वन इज इक्वल टू क्या होता है, लाइट के केस में वन एन टू, तो टू एन वन की जगह हम क्या रख देंगे, वन अपॉन, इसको क्या लिखते हैं, वन एन टू इज इक्वल टू साइन आई की जगह हम थीटा सी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या निकला है, क्रिटिकल एंगल के लिए साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन अपॉन एन टू, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा इज द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका, इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे आपको पता लग रहा है कि जो है वन अपॉन वन एन टू इज इक्वल टू साइन थीटा सी। अगर हम यहाँ पर देखें, वन हमने कौन सा मीडियम लिया हुआ है, एयर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन की जगह क्या लिखें ए, और एन, और टू की जगह क्या है दूसरा मीडियम ग्लास, वन अपॉन साइन थीटा सी, ए एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा सी। अब देखिए एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, ए एन जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा सी की इसका एक फॉर्मूला ही निकल आया है, साइन थीटा सी आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे ज़्यादा जा रहा है, इसको थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं, ओके, तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
का सीधा एक ये फार्मूला आ गया आपका, ये आ गया, मेंटल्स करेंगे मिल ये अप्लाई होंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, कोण आंशिक परावर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अगर आपने हम अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।